जिंदगी का एक पहली सीढ़ी है, अभी बहुत आगे जाना है। अरे सैलरी का बहुत चल चुका है हमें, और सैलरी बाबू अहमद सुल्तान वाली बिल्डिंग चाहिए बिरयानी है भैया, हमें तेरी मोहब्बत चाहिए भाई, तू थम्स अप कर दो ये ची। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशल इस तरह होने वाला है कि आज मुझे मिलेगी मेरी फर्स्ट सैलरी जॉब की, और जिंदगी की अपनी पहली कमाई, और एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, वो मैं फील लेना चाह रहा हूँ जब अपनी कमाई हाथ में पकड़ूंगा। और सुबह सुबह उठे हैं लेकिन लाइट नहीं है, क्योंकि मौसम लाहौर में ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, आजकल का सीज़न चल रहा है मानसून का, जिसकी वजह से ये है कि बारिश तो रुकने का नाम ही ना ले रही। और शामा चला गया है ऑफिस, आज हम भी अब चलते हैं बाहर, अभी भी बारिश हो रही है, सुबह की हो रही है, तो अब देखते हैं, क्योंकि फिर एज़ यूजुअल बूट बैग में डालनी है, चप्पल पहन के पेंट ऊपर चढ़ानी है, क्योंकि रास्ते में पानी बहुत ज़्यादा होना है, तो अगर कोई बूट छूट पहले ना तो मैं कोई हाथ नहीं लेना, तो वापस निकलते हैं। वो ले गया, उसे भी रास्ते से पिक करना है, उसकी कॉल आई थी, उसका तो वो कह रहे थे उसका बाइक ख़राब हो गया, तो अब आज जो चलते हैं यकीन मानो ये जो ताला ले रही है ना, इसको भी लगाना भी अजाब है जीजा। शॉपर पकड़ लिया है फॉर सेफ्टी, मोबाइल को इसमें डाल देंगे, चलो चले। अभी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, पता नहीं वैसे तो इसको मैं धोना है या नहीं धोना, उन पर बात सुनी ना इसे ओके कर दिया, धो दो गए। आखिरकार ऑफिस पहुँच चुके हैं हम, खैर के लिए से अंदर को पिक कर लिया रास्ते से, तो अगर लिफ्ट चल लिफ्ट चली जिंदगी में ना खज्जल खराबी तो हमारी है ही है, लग रहा है कोई जिंदगी नहीं। अपने पेंट ऊपर थी, इसको नीचे करके स्टाबिंग हो जाए, ऑफिस जा सके, तो फिर जा के अंदर बोर्ड शॉट पहन। आज ना दिन से खुशी है, खुला लाइट इधर भी होगी, बार ऊपर तो कल की लाइट नहीं है, और भी तो जनरेटर चल रहा है, इसकी वजह से लिफ्ट से बंद थी, तो चलो चले। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो हो गई, अपनी सैलरी का वाउचर मिल चुका है हमें, और अब जाके इसको अहमद सुल्तान जो है कैशियर बैठता ना उसको जाके देंगे, तो हमें कैश देगा। इनका सिस्टम ये है कि ये लोग अकाउंट में एंट्री नहीं आती सैलरी, ये तो कैश पे देते हैं, और अब सैलरी आपको बता नहीं रही है, अभी आपको दिखा देंगे, क्योंकि कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र और बरस से उसकी सैलरी कमाई नहीं पूछा करती। माशाल्लाह वाज वाह सुभान अल्लाह, वो नहीं है बात, वो राय का रहस, तो अब बस ऑफिस से निकलते हैं, जाके अहमद सुल्तान का जो ब्रांच है वहाँ पे फ्यूचर दिखाना है, फिर हमें वहाँ से सैलरी मिल जाएगी कैश किस, और वो फिर हम डिपॉजिट करवा देंगे बैंक में, सीधा सा। जो वीडियो पॉज की थी ना वो वहाँ से एएस के जो कैशियर है नुमान भाई, उनका मैसेज आया, उन्होंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि आ जाओ मैंने वापस जाना है, तो अब हम ये आपको रकम नहीं दिखा रहे, बाकी आप चलते हैं वाउचर लेके और वहाँ से लेते हैं सैलरी, और आज होते हैं रिच अमीर, पैसा ही पैसा होगा। जिंदगी की पहली कमाई, इसकी जो फील है ना वर्ल्ड लेवल होगी, एंड लेवल वो फील नहीं आज। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, ज़्यादा शूट नहीं करना यहाँ पे, लोग बिल्कुल नहीं मुझे जानते लोग, हो रहा है मैं सुल्तान सैलरी बाबू जी का मिलती पैसा 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 लक्ष्मण लिए, और अब ना ज़रा ज़्यादा इधर सैलरी को जाके बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, अभी किसी के इतनी पैसा वाले से करवा रहे थे, इस टाइम बैंक तो मिलना नहीं है कोई भी, तो दूसरा ये है कि ये रहा अहमद सुल्तान वाली बिल्डिंग, वो रहा अहमद सुल्तान यहाँ से, असल में एम्प्लॉय अहमद सुल्तान का हूँ, लेकिन हम लोग बैठते अकाउंट्स पार्टनर सारे हल्के में, अब चलते हैं दुकान पे। वापस आ गए हैं हॉस्टल, वापस आ गए हैं हम लोग, और रास्ते में कुलीग था उसे ड्रॉप करना था, उसे ड्रॉप किया, रोटियाँ आज लाने की ड्यूटी मेरी नहीं थी, जो सामा की थी सामा रोटियां ले आया है, मेरे का चूज़ा भी आया हुआ है रूम में,
तो आज जाके उससे भी मिलते हैं। बड़े दिनों बाद उसको वगैरह तो इंसान को कहा था बिरयानी घर से बनवा के ला, जिस दिन से बिरयानी बोला उस दिन से वो आया ही नहीं, आज आया है, आज चलो उससे मिलते हैं। ओए 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 माशाल्लाह बिरयानी की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है भाई, तो मुझे बड़ी अच्छी सामा तुझे बिरयानी कैसी थी? क्या मिला है? ये अच्छा कितने तीन बंदों ने कि तुमने अपनी सेका खा ली है? पानी इतना सा पड़ा है दिखा दो, ये पानी है हमारे पास और ये पानी भी तो लेके आया, अभी हमारी रात का खाना है। फिर मैं तो कहता हूँ इस पानी में घोलते हैं इसे सुबह। अच्छा तीनों को दिल तो करना नहीं खाने का, पेट भी भर जाएगा, कैसा आइडिया पॉइंट है ना? चूजे वैसे यकीन मान इधर अब गले बिरयानी यार नहीं चाहिए बिरयानी है हमें, तेरी मोहब्बत चाहिए भाई, तू ना ला बिरयानी। यार देखो तो बिरयानी लाता ना तो एक ना हमारे दरमियान जो रिश्ता होना था हाँ उसे खाने पीने का रहता है। अच्छा मैं वो नहीं चाहता। अच्छा तो तू चाहता है कि ये मोहब्बत का रिश्ता रहे? अम्मा जी जो कोफ्ते थे ना ये कोफ्ते भी कीमे बन गए हैं गर्म करने के चक्करों में, 5 मिनट लग चुके हैं और अभी तक कख नहीं हुआ, 1.5 मिनट अब मुझे लगता है कुछ हो जाएगा। चूजे लाया गया गवर्नमेंट का रहता ये फ्री मिलता है ना कितने का? तुम चीप ये फॉर्मूला सामा का, अगर रोटी ठंडी हो जाए तो तंदूर की रोटी पे पानी लगा लो तो वो हो जाती है, समय हुई ना रोटी की तबाही भी देनी इस टाइम दो तीन दिन से भी मिल नहीं गई सर। तो क्या करूँ यकीन मानो ये कैसे कैसे फॉर्मूले लगाने पड़े हैं मेरे जी में, ये डॉक्टर समय भाई जान ये आप तरकीब लगाए। अच्छा। आपने नान गर्म करना हो, आपने पिज्जा गर्म करना ना पिज्जा, पिज्जा में आपने ना साथ एक ग्लास, वैसे इससे बेहतर होता है ऊपर रखने के लिए ग्लास में पानी डाल के ना बस इतना पानी लगाना था। हाँ बस अब इसको गर्म होने सर, अब एक ग्लास में साथ पानी डाल के रख दे अंदर गर्म होने, वो भी ठीक रहता। अच्छा माइक्रोवेव कर जाता है सारा कसम है आ रही है। 30 मिनट फाइनली सामा का जो था ना कामयाब वो हो गया, और कोफ्तों का हाल ये हो चुका है कि कोफ्ते बन गए हैं कीमा कीमा कोफ्ता, ऊपर डालना रहता था चूजे सही है मैं डाल दो नहीं चूजे जायका सही है बेहतरीन बेहतरीन, और साथ में रायते की जो चस आनी है ना बाबा जी एंड लेवल। अब आपको ना एक बाइट लेंगे रोटी सही है, रोटी भी सही है। क्या कहा सामा का कामयाब हो गया ब्रांड, अब हम आपसे खाने के बाद मिलेंगे, आप खाना खा लेंगे। मेरे ख्याल खाने के बाद फायदा नहीं मिलेगा इस काबिल नहीं रहना खाना खाने के बाद ना, अब पीना था ठाटा। क्या गाड़ी भी आ रहे? नहीं नहीं तेरी बाइक का, मेरे तो बाइक के अंदर चाबी, एक बाइक पे जाते हैं तीन मजे मजा आएगा। दूर जाना है? किधर दूर जाना है? ये जाना है शादमन मार्केट, और नई गाली मार्केट जा रहे हैं पागल है, शादमन मार्केट जा रहे हैं। चूजे की चूजे मतलब बाइक पे जितने लोग बैठे ना उतनी मोहब्बत होती है, ये क्या निकल रहा है निकाल रहा गाड़ी से बस सही पर सामा भाई कल घर जा रहा है फिर मैं आ गया वीकेंड ना 3 दिन अकेला ही इधर, ये तू आएगा मेरे पास आप रहो ये तो बड़ा मेरा डैशिंग है। अच्छा मुझे पता लगा ये चूजे के दोस्त भी ब्लॉग देखते ना हमारा, चूजा उन्हें इंप्रेस कर रहा था जब हमारा कैमरा ऑन होता है ना तब पटाखे इसके चलते ही कोई नहीं हो गया। आए आए हाय लाल हमारा तो दिल ही धक धक हो रहा है। तुझे मैं लोगों से के सामने तेरे से गिला करना चाहता हूँ, तुम्हारा ब्लॉग क्यों देखता? गिला 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 तू हमारा ब्लॉग नहीं देखता, जिस ब्लॉग में तू आता है ना अभी तू ब्लॉग देखेगा यार। ऑन अ सीरियस नोट मैं बहुत बिजी होता हूँ भाई यार, तो भाई जिंदगी के 10 मिनट निकाल लिया कर, चलो यार नेक्स्ट टाइम आपको छिपानी होगा इंशाल्लाह। ठाठा इस इसलिए कहते हैं वो जो ठाठा की साउंड आती है ना उसके वजह से ठाठा कहते हैं। आप टेस्ट करते हैं खाना खा के ना, इसके अंदर आग लगी थी और ये ठंडे ने ना फुल टच मोल खा दिया ठंडा ठंडा। इसका फायदा आप देखें, इसमें है पुदीना फ्रेश पुदीना विद लेमन, हाय 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 एंड लेमन कुछ लाता है वो लगाता होता है लाते गुड है थम्स अप कर दो ये चीज बहुत आला। बाइक पास हो गई है ब्रो, तीन बंदे बैठा के ना चेस करा दिए, पास हो जाएगी इस टेस्ट में लेकिन यकीन मानो एंड करवा गई है।
अब चले यकीन मानो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, उसी तरह फिर रहे हैं हम। वाह जाते उठ करो अच्छा बाहर से वापस आ गए थे ठाठा पी के और अब वापस हॉस्टल आए हैं। चूजा चला गया और सामा रूम में लेटा, लाइट गई भी है, लाइट का वेट कर रहे हैं। और मैंने कहा जरा बाहर बैठ के आपसे वन टू वन डिस्कशन कर लें क्योंकि आज स्पेशल दिन था, जिंदगी की पहली सैलरी मिली है, कमाई मिली है। मुझे तकरीबन एक मंथ हुआ है जॉब करते हुए और आज पहली सैलरी आई है। तो आपसे मैं यही मतलब मैं था कोई रिकमेंड तो नहीं कर सकता, कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको यही है कि कोई बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है तो आपको बेशक जो मर्जी अपॉर्चुनिटी मिले आप अवेल करो और एक दफ़ा जॉब स्टार्ट कर दो, मार्केट में एंटर हो जाओ। फिर प्राइवेट सेक्टर में यह है कि जितना आपको बेटर ऑप्शन मिले आप वहाँ पर स्विच कर सकते हो। घर पर बैठे रहना वेट करना कि मुझे कोई लाख रुपये की ऑफर हो जाएगी, 1.5 लाख की ऑफर हो जाएगी, ये सब कुछ झूठ होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस ये कुछ भी नहीं पॉसिबल। और जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ते हो ना वो चीज़ें एक साइड पर रह जाती हैं, असल जो काम होता है वो प्रैक्टिकल वर्क में आकर लाइफ में आकर आप सीखते हो कि आप क्या करते हो। और आज मेरे लिए स्पेशल दिन था, मुझे अभी सैलरी मिली, जब मैं वापस आया जॉब से मैंने घर अम्मा जी को फ़ोन किया, बहनों को बताया, भाई को बताया, वो सब बहुत खुश थे। और यकीन मानो आज ये ज़िंदगी का एक पहली सीढ़ी है, अभी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। तो ये सब कुछ मेरी फैमिली की दुआओं की वजह से है और लव यू फैमिली को और सबसे ज़्यादा भाई को, क्योंकि उसी की सपोर्ट की वजह से आज इधर मैं बैठा हुआ हूँ, इस मुकाम पर हूँ। इंशाल्लाह अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है उसके लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी और इंशाल्लाह। तो अब बस यहीं बैठे हुए हैं तो अब आपसे इजाज़त लेंगे, ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करेंगे, यहीं बैठे बैठे आप हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करें जो मैं ब्लॉग के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करता हूं। और इंशाल्लाह तो अल्लाह हाफिज़, टाटा और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, बाय बाय। मित्रा जी जी वड्डे भरा भी प्यौं बजा होंगे ने।